तो बिस्किट की केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हैप्पी हैप्पी बिस्किट। ये चोको चिप बिस्किट है, 10 रुपये वाले पैकेट है, तो मैंने यहाँ पे 3 पैकेट लिया है। अगर ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो इन सब को हम पहले अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे ताकि एक फाइन पाउडर हो जाए। इसको कर लिया है ग्राइंड अच्छी तरीके से, तो अब इसमें हम डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला है और इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा डाल के, और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। आप चाहें तो एक साथ भी डाल सकते हैं दूध, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि दूध अगर ज़्यादा हो गया तो आपको फिर से पाउडर बना के इसमें डालना पड़ेगा बिस्किट का। तो मुझे 3 बिस्किट के पैकेट के लिए 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लगा। तो जैसा वीडियो में दिख रहा है, हमको ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए बैटर की। तो बेकिंग पाउडर या फिर इनो डालने से पहले हम जिस चीज़ में केक को स्टीम करेंगे वो रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, और ऐसा कोई स्टैंड रख दीजिए। अब इस बैटर में मिलाएंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून इनो, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जिस बर्तन में हम स्टीम करेंगे। तो ये ढोकला वाला है तो मैं इसमें स्टीम कर रही हूँ। अगर आपके पास केक वाला बर्तन है तो आप उसमें स्टीम करें, या फिर ऐसी कोई भी दिखने वाली थाली में स्टीम कर सकते हैं। तो इसको रख देंगे स्टीम होने के लिए। इसको हम स्टीम करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। तो 25 मिनट से ज़्यादा हो चुका है तो हम इसको अब चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर नाइफ़ ली और इसको ऐसे करके चेक करके देखें, अगर साफ़ से निकल रहा है तो ये पूरी तरीके से हो चुका है। तो हम अब इसको निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसका बनाएंगे एक सिरप, चॉकलेट सिरप जैसा, तो ताकि थोड़ा जो केक है वो मॉइस्ट रहे, उसको खाने में मतलब सूखा सूखा ना लगे। इसके लिए लिया है कैडबरी चॉकलेट, इसको हम करेंगे मेल्ट। तो मैंने जैसे स्टीम किया था उसको, इसको भी मैंने वैसे ही मेल्ट किया। तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसका एक पतला सा सिरप जैसा बना लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो इसमें डाला दूध थोड़ा सा, फिर इसको कर लिया मेल्ट। ये ऑलमोस्ट हो गया है तो इसको हम ऐसा हो जाएगा, तो ज़्यादा पतला नहीं है। इसमें मिलाएंगे हम चॉकलेट सिरप, ये 2 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप है, 2 बड़े चम्मच। इसको कर लीजिए अच्छे से मिक्स। तो जो केक है वो साइड से निकल चुका है खुद से ही, तो हम इसको करेंगे उल्टा और इसको थोड़ा सा करेंगे डैब तो ये निकल जाएगा। तो ये आराम से निकल चुका है। इसमें हमने घी ऑयल बेस में कुछ नहीं लगाया था, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो अब हम इस पर डालेंगे सिरप। तो इसमें ज़्यादा नहीं डाला है हमने, थोड़ा सा ही डाला है, तो आप चाहे तो बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको कर देंगे स्प्रेड चाकू की मदद से या फिर किसी भी चीज़ से। तो क्योंकि केक स्पॉन्जी है तो जो सिरप है वो उसके अंदर अच्छे तरीके से चला जाएगा और ये टेस्ट भी अच्छा करता है। इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था जेम्स से। तो आप इसको बनाइए घर पे, ट्राई करिए और कमेंट करिए कि कैसा बना आपका बिस्किट वाला केक। तो इसमें ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम सिरप डालेंगे इसके ऊपर वो ऑलरेडी मीठा होता है, और जो बिस्किट है वो जो चॉको चिप वाला बिस्किट है वो भी बहुत मीठा होता है, तो इसमें चीनी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको काट के करेंगे चेक, देखिए कितनी आसानी से कट जा रही है, तो बहुत सॉफ्ट बना है। तो इसको देखते हैं थोड़ा पास से कि कैसा दिख रहा है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा।